हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिड इंडिया। मेरा नाम है सचिन और भाई आज इस स्टूडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त i4 के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं जो बड़ा दोस्त सीरीज है उसके अंदर i1, i2, i3, i3 प्लस और i4 देखने को मिलते हैं। ये सारे जो मॉडल्स हैं वो पेलोड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं अशोक लीलैंड ने। तो आज हम जो बात करेंगे वो i4 के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर आपको जो पेलोड देखने के लिए मिलता है वो 1825 किलो पेलोड देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलती है। बाकी जो पूरी स्पेसिफिकेशन है वो आगे वीडियो में जानेंगे और ये आपको एसी नॉन एसी दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर मिलेंगे। और स्पेशली अगर आप नॉर्थ साइड से हैं मतलब राजस्थान वगैरह साइड से हैं तो आपको भाई एसी वेरिएंट जरूर लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको हमारी तरह ट्रक और बसेस पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो भाई सबसे पहले इसके फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट है ना इसका काफ़ी शानदार मिलता है और भाई स्पेशली ये ग्रे कलर है ना मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, बहुत शानदार मिलता है। और इसके अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है ना वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो मान लीजिए आप कच्चे पक्के रास्तों पे जा रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लस इसका जो अप्रोच एंगल है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, तो भाई आगे से कोई भी चीज़ भिड़ने नहीं वाली। आप इसको कच्चे पक्के रास्तों पर जहाँ चाहे आप है ना अपना सामान रख के ले जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है फॉग लैंप का, तो यहाँ पे आप फॉग लैंप लगवा सकते हैं। तो मान लीजिए धुंध वगैरह में ना आपको है ना ये अच्छी मदद करेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे जो हेडलैम्प है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। रात में ना इनकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी शानदार है और इंडिकेटर यहाँ मिलते हैं। तो भाई डिज़ाइन वाइज भी है ना बहुत तगड़ा मिलता है और ये अशोक लीलैंड की बैजिंग और ये लोगो है ना भाई बहुत ही प्यारा लगता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है 3D में है पूरा का पूरा। जो वाइपर्स है ना उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरी विंडशील्ड को बहुत अच्छे से साफ कर देते हैं। और जो वाइपर्स का जो वॉशर है ना भाई ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहीं पर दिया हुआ है तो ईजिली है ना पूरे अच्छे है ना यहाँ पे पानी फेंकता है और बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आते हैं तो साइड में आप देख सकते हैं साइड व्यू मिरर है ना, इनका साइज भी काफ़ी अच्छा है और ईजिली बहुत अच्छे से है ना बहुत अच्छे से घुमा सकते हैं। अब भाई आप सोच रहे होंगे भाई साइड व्यू मिरर है ही तो है बस सब में नॉर्मल ही आता है, भाई नहीं सब में नॉर्मल की बात नहीं है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप कह सकते हैं आप एक तरीके से आपके पीछे की आँख की तरह काम करता है और उसका साइज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो इसका साइज़ है ना वो काफ़ी अच्छा है तो पीछे ना ईजिली बहुत अच्छा खासा दिख जाता है। और यहाँ पे i4 LS की बेजिंग मिलती है, ये नॉन AC वाला वेरिएंट है। AC वाला वेरिएंट लेंगे तो ये LX की बेजिंग मिलेगी इसके अंदर आपको। और यहाँ पे भी आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है। नीचे आते हैं ना, नीचे भाई टायर्स देख सकते हैं, टायर्स इसके काफ़ी शानदार मिलते हैं। इसके अंदर आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं और जो टायर सेक्शन है ना वो 7.0R15LT टायर मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अशोक लीलैंड के भाई व्हील कैप भाई बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पे व्हील कैप लगते हैं। आगे की साइड आपको है ना यहाँ पे पैराबोलिक सस्पेंशन मिलेगा और 3 लीफ स्प्रिंग मिलेंगे। और पीछे की साइड अभी मैं आगे चल के तब बताऊंगा आपको क्या चीज़ मिलती है। और यहाँ पे आप व्हील आर्चेस देख सकते हैं भाई काफ़ी शानदार यहाँ पे व्हील आर्चेस मिलती हैं। तो क्या होता है कि जो कीचड़ वगैरह उछलता है ना, और यहाँ पे हाँ ये देख सकते हैं मडगार्ड भाई, इसका साइज़ है ना काफ़ी शानदार है, बहुत बड़ा यहाँ पे मडगार्ड मिलता है तो कीचड़ वगैरह ना आपके केबिन तक नहीं पहुँचता और अच्छे से है ना मिट्टी वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पीछे आते हैं तो पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पीछे आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है और बैटरी है वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस है ना बैटरी यहाँ पे हिलेगी विलेगी नहीं आपकी। और जो चेचिस है ना उसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, फ्रेम काफ़ी अच्छा है। डाले पे आते हैं ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका डाला इसके अंदर आपको मिलता है भाई, जो लंबाई मिलती है ना डाले की वो मिलती है 10 फिट की और जो चौड़ाई मिलती है ना डाले की वो मिलती है भाई 6 फिट की। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे और आप इजीली है ना अच्छा खासा यहाँ पे सामान रख के ले जा सकते हैं। 1825 किलो इसके अंदर आपको पेलोड मिलता है। कंपटीशन की बात करें तो जो महिंद्रा बोलेरो पिकअप है 1.7 HDI है उसका सीधा सीधा कंपटीशन है। प्राइस लगभग दोनों की सेम ही है, इस पर आपको डिस्काउंट वगैरह ऑफर वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपको जो है ना पेलोड वो ज़्यादा मिलता है बोलेरो पिकअप से। प्लस बोलेरो पिकअप के अंदर किसी भी वेरिएंट के अंदर मतलब जैसे 2.0 1.7 है ना ये दोनों ही वेरिएंट्स उनके अंदर आपको AC नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको AC मिलता है। और राजस्थान की गर्मी है ना तो आपको AC बहुत ज़रूरी है भाई। बाकी अब नीचे आ जाते हैं, पीछे सेम टायर साइज मिलता है आपको और पीछे इसके अंदर आपको सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। तो लोड वोड लेके जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं वाली, इजिली अच्छा खासा लोड ले जाएगा ये।
और यहाँ पे पीछे आपको 6 लीफ स्प्रिंग्स मिलते हैं। यहाँ पर इधर आते हैं तो पीछे की साइड देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील मिलेगा यहाँ पे, और स्पेयर व्हील की माउंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं आपको। और यहाँ पे जो टेल लाइट्स हैं उनका भी जो थ्रो ब्रो है वो काफ़ी अच्छा है। 1, 2, 3 टोटल 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं यहाँ पे। बड़ी प्यारी यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लेलैंड की बैजिंग मिलती है भाई। कलर है ना बहुत शानदार कलर है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को कलर, है ना। और इस साइड आते हैं, इस साइड देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब इसके अंदर आपको एडब्लू भी मिलता है, यहाँ पे 16 लीटर का एडब्लू टैंक मिलेगा भाई। जो साइज़ है ना वो काफ़ी अच्छा दिया है एडब्लू टैंक का साइज़, और जो फ्यूल टैंक है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। दोनों का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी अच्छी जगह दी है, दोनों ही पास पास दिए हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि फ्यूल टैंक तो इस साइड रहता है और एडब्लू टैंक उस साइड रहता है, तो भाई भरने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो दोनों ही पास में दिया ना तो ईजिली यहाँ पे भर सकते हैं। अब इसके केबिन के अंदर चलते हैं, केबिन के अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको भाई। सबसे पहले इसका ओपन करने का, बड़ा ही प्यारा है देख लीजिए, यहाँ से ईजिली बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप भाई जो आती है ना बड़ी कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल आती है जो लगभग 2-2.5 लीटर के समथिंग आती है, वो इजीली यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ से इसको भाई बहुत अच्छे से है ना ये ग्रैब करने के लिए मिलता है, इसको खोल और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार, और है ना ये स्किड नहीं होता पैर, मतलब पिसलता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फुट रेस्ट मिलता है यहाँ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि हाइट अच्छी खासी है व्हीकल की। ये लीजिए बहुत ही ईजिली, मतलब मेरी हाइट लगभग 5-9 के समथिंग है, मैं तो भाई बहुत ही आराम से बैठ गया। सीट है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी फिटेड यहाँ पे है ना सीट कवर आते हैं, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो सीट को अपनी हाइट के हिसाब से। ये देखो ये यहाँ से इसको अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिलता है, स्टीयरिंग व्हील को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये बस ऐसे एडजस्ट होता है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है ऐसे होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर स्टीयरिंग मिलता है यहाँ पे, इसके लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, और इस साइड इसके वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। वाइपर है इसका सिर्फ लो और हाई में मिलेगा आपको। अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह दिखा देता हूँ। तो भाई ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे छोटा सा एमआईडी मिलेगा जिसके अंदर कितना किलोमीटर चली है, कितना एड ब्लू है, और कितना फ्यूल वगैरह है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे आरपीएम मीटर दिखाएगा, यहाँ पे बाकी इंडिकेटर्स दिखाएगा जैसे हैंड ब्रेकिंग गेज है वो दिखाएगा, और यहाँ पे जो स्पीड मिलती है ना वो यहाँ पे दिखाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी अच्छा मिलता है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर पार्किंग ब्रेक इंगेज है ना तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि पार्किंग ब्रेक इंगेज है। यहाँ पे बाकी के स्विचेस वगैरह मिलते हैं आपको, और ये हेजा लाइट वगैरह का मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूज़िक सिस्टम मिलता है अशोक लेलैंड का, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 2 स्पीकर मिलते हैं, और यहाँ पे जो हैंड ब्रेक लीवर है ना भाई वो डैशबोर्ड पे माउंटेड है, तो अगर मान लीजिए मेरे को इस साइड जाना है तो मैं इजीली है ना उस साइड शिफ्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे पेपर वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। यहाँ पे आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, एक सेकंड में ये आवाज़ बंद कर देता हूँ इसकी। तो ये चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिलता है यहाँ पे। उसके बाद डैशबोर्ड की क्वालिटी देख सकते हैं आप, डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और प्लस विजिबिलिटी देख सकते हैं भाई, विजिबिलिटी ये भी है ना काफ़ी अच्छी है यहाँ पे व्हीकल की। वो तो आप चला के भी देख लेंगे एक बार विजिबिलिटी कैसी मिलती है इसके अंदर आपको। और यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है, ग्लोव बॉक्स का साइज़ है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आप सामान वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक लीवर है, उसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है हैंड ब्रेक लीवर की। और यहाँ पे एक बंदा और एक दूसरा, तो मतलब ड्राइवर के अलावा भी यहाँ पे 2 लोग बहुत ईजिली बैठ सकते हैं, और भाई सीरियसली बता रहा हूँ काफ़ी स्पेस है, और ये ना पास भी है 3 सीटिंग से, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब करने के लिए एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे, तो ग्रैब करने के लिए ग्रैब हैंडल्स वगैरह काफ़ी अच्छे खासे दिए हुए हैं। पीछे देख सकते हैं पीछे भी जो ये मिरर वगैरह दिया हुआ है उसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, और ऊपर है ना मटेरियल देख सकते हैं प्रॉपर मटेरियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट वगैरह दी हुई है, और LED लाइट दी है भाई, व्हाइट वाली, येलो वाली नहीं दी, और इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो देख सकते हैं दिन में भी भाई धूप में भी कितनी अच्छी इसकी यहाँ पे ब्राइटनेस है। उसके बाद यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एक हुक दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कुछ सामान वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसको चला के देख लेते हैं कि ये चलता कैसे है। तो सबसे पहले अब इसका TCD चेक करते हैं कि टर्निंग सेल का डायमीटर कितना है, कि भाई गलियों वलियों में कैसा घूमता है कैसे नहीं घूमता ये। एक बार बैक करना पड़ेगा। विजिबिलिटी काफी अच्छी है भाई पीछे की। भाई घूम गया, एक बार में घूम गया, जो इसका TCD है ना वो काफ़ी ही शानदार है। अब इसका ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं कि भाई ब्रेकिंग कैसी है। तो भाई अब इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क मिलते हैं और रियर में ड्रम मिलते हैं, तो कैसे ब्रेक्स हैं।
भाई ब्रेक्स है ना काफी शानदार है। मैंने एक सेफ स्पीड में इसके ब्रेकिंग की है भाई, ब्रेक्स लिटरली काफी अच्छे इसके ब्रेक्स है। अब इसकी पावर वगैरह चेक कर लेते हैं कि पावर वगैरह कैसी है। अब इसके अंदर आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है जो अराउंड 80 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 190 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब एक बार इसको ड्राइव करके देख लेते हैं कि भाई इसकी पावर वगैरह कैसी है, टॉर्क वगैरह कैसा है। वैसे तो व्हीकल खाली है लेकिन फिर भी एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो भाई गियर थ्रोज है ना वो तो शॉर्ट है और काफी स्मूथली इसके गियर लग जाते हैं। क्लच है वो भी काफी अच्छी है, इसकी क्लच आपको काफी स्मूथ मिलती है, बहुत ही इजिली इंगेज हो जाती है। और इसके अंदर आपको 5 गियर मिलते हैं तो जो फ्यूल इकोनॉमी है ना वो भी काफी अच्छी मिलती है इसके अंदर आपको। भाई सबसे बढ़िया है ना इसकी स्टीयरिंग व्हील है, एकदम भाई कह सकते हो मक्खन है बिल्कुल, बहुत अच्छे से घूम जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। भाई चलने में लिटरली बहुत अच्छा है, एकदम है ना ऐसा नहीं लगता आप एक कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं या फिर एक पिकअप चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई आप कोई गाड़ी चला रहे हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो मेरे को इजीली है ना पूरा एक अच्छा खासा यहाँ पे विजिबल है, हॉर्न भी काफी अच्छी मिलती है इसके अंदर आपको यहाँ पे। विजिबिलिटी वाइज नो डाउट बहुत अच्छा है, पीछे का साइड का सब कुछ काफी अच्छे से विजिबल होता है। और भाई ऐसा लग रहा है कि है ना मैं एक फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ। अब इसकी थोड़ी पावर वगैरह चेक कर लेते हैं, भाई बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार लिटरली चलने में काफी अच्छा है। वेट डाल के चलाओगे ना तो भाई और भी तगड़ा मजा आएगा इसके अंदर आपको। रास्ता देख सकते हैं आप, रास्ता मैंने कोई बिल्कुल ऐसा नहीं चुना भाई, बहुत ही अच्छा रास्ता हो बिल्कुल एकदम कच्चा पक्का रास्ता यहाँ पे चूज किया है मैंने। और एक बार इसको थोड़ा सा नीचे उतार के देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका भाई अप्रोच एंगल वगैरह का पता चल जाएगा ऑफ रोडिंग में कैसा है व्हीकल। भाई इसके लिए तो है ना बिल्कुल ही बच्चों का काम था भाई। टॉर्क वगैरह की बात करें ना इसके अंदर तो आपको फ्लैट टॉर्क बैंड मिलता है इसके अंदर आपको, तो पावर डिलीवरी है ना वो काफी अच्छी हो जाती है इससे। सस्पेंशन वगैरह भी काफी अच्छा है इसका। ओवरऑल बात करें तो कंपटीशन से कंपेयर करें तो भाई इसके अंदर आपको पावर भी ठीक ठाक मिलती है, काफी अच्छी पावर मिलती है। प्लस एक जो इसका मेजर कंपटीशन है वो महिंद्रा बोलेरो पिकअप है नहीं जो मैक्स सीरीज लॉन्च हुई है उससे, तो उससे कंपेयर करें तो भाई इसके अंदर आपको एसी मिलता है, उसके अंदर एसी नहीं मिलता। डिज़ाइन की बात करें ना तो डिज़ाइन भाई आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव है, बट मेरे को है ना इसका डिज़ाइन थोड़ा बेटर लगता है। पुरानी वाली बोलेरो पिकअप फिर भी अच्छी थी, बट जो नई मैक्स आई है ना भाई उसका डिज़ाइन लिटरली मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसका डिज़ाइन तो भाई बड़ा प्यारा है और चलने में ना कसम से भाई बहुत तगड़ा है, मक्खन है बिल्कुल एकदम तगड़ा भगता है, ये भगने में भाई बहुत शानदार है, बहुत तगड़ा है। सस्पेंशन काफी अच्छा है और लोड करके चलाओगे ना तो भाई और भी तगड़ा फील देगा ये आपको। हॉर्न बड़ा प्यारा है इसका, कुछ भी कहो एकदम वो कार वाला हॉर्न। टर्निंग वगैरह में काफी अच्छा है और है ना जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ना भाई वो भी काफी प्यारा है। तो आप देख ही रहे होगे स्टीयरिंग का फीडबैक वगैरह काफी प्यारा है, ओवरऑल कह सकते हैं आप काफी अच्छा व्हीकल है। और आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, अगर आपको एक 1825 किलो से पास कोई व्हीकल चाहिए तो आप इसको इजीली ले सकते हैं, हमारी भाई पूरी रिकमेंडेशन है। सर्विस वगैरह भी है अब है ना काफी अच्छी हो गई है अशोक लीलैंड की, नेटवर्क वगैरह काफी अच्छा हो गया है जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उसका। तो आप ये मत सोचना भाई सर्विस वगैरह कैसी है, पार्ट्स वगैरह कैसे हैं, तो सर्विस वगैरह काफी अच्छी है, पार्ट्स है ना उनकी अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी है यहाँ पे।
सो नो डाउट व्हीकल में दम है भाई, बहुत दम है व्हीकल में।